ग्रामर पढ़ रहे हैं। अब उसका दूसरा टॉपिक है आर्टिकल्स। क्या आर्टिकल्स किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दीज आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ। आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन। ए एन और द आर्टिकल होते हैं। दीज आर यूज्ड बिफोर ए नाउन, जिनका उपयोग नाउन से पहले होता है। आर्टिकल्स आर ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण का एक भाग होता है जिसे हम नाउन से पहले यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकेंड डेफिनेट आर्टिकल। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट अनिश्चित, डेफिनेट निश्चित। क्लियर। फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर इंडेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दीज आर यूज्ड बिफोर ए अनसर्टेन नाउन। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनका जो उपयोग है इन्हें एक अनिश्चित नाउन से पहले यूज किया जाता है, बिफोर ए अनसर्टेन नाउन एज अनिश्चित। ऐसा ए बॉय, एनी बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है। आई मेट ए मैन, एनी पर्सन।
कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे हम जानते नहीं है, अनसर्टेन नाउन, तो उनसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। दैट्स क्लियर। यूज ऑफ ए, ये का यूज करेंगे, इसका ए इनडेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल ए इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर दोज नाउंस विच कैन बी काउंटेड काउंटेड एंड बिगिन बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड consonant sound this is used with a singular noun as a dog, a horse, a table, a boy, a chair, these all words These all words have consonant sound therefore article A has been added before them when a sentence starts with E or U, but you voiced by pronunciation comes before A as One, he is a university student. Number two, it is a useful book number third he is a european
जब एक वाक्य ई और यू से स्टार्ट हो, शुरू हो और उसे प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो यू की आवाज निकले आती है, तो उससे पहले हमें किसका यूज करना है? ए का यूज करना है। ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यू साउंड क्या आ रहा है? यू। इट इज ए यूजफुल बुक। तो यू। ही इज ए यूरोपियन। देखिए यहां पर स्टार्ट किससे हुआ है? ई से, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो किसकी आवाज आ रही है? यू की। तो यूरोपियन, तो वहां पर किसका यूज होगा? ए का। दैट्स क्लियर। एंड सी इफ द फर्स्ट लेटर इज अ फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज द सेम एज द कॉन्सोनेंट देन कम्स बिफोर ए एज नंबर वन ही इज ए वन आइड मैन नंबर टू इट इज ए वन रुपी नोट इफ द फर्स्ट लेटर इज ए बॉबल अगर पहला अक्षर बॉबल है स्वर है परंतु उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है तो कहां क्या आएगा ए यूज होगा तो ही इज ए वन आई मैन अब देखिए वन ओ एन ई वन यह इंग्लिश के जो अपने वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू फर्स्ट लेटर क्या क्या आ रहा है इसका वन का ओ आ रहा है तो लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट की साउंड में आ रही है तो इसलिए उससे पहले क्या आएगा ए आएगा ही इज ए वन आईड मैन इट इज ए वन रुपी नोट वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो इसलिए हम उससे पहले ए का यूज करेंगे दैट्स क्लियर यूज ऑफ एन इसका ये इनडेफिनेट आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच Begin with a vowel A E I O U
A-E-I-O-U as an elephant, an elephant, an ass, an orange, an import, an import. That's clear. Use of an, and जहाँ verbal I A E I O U उससे पहले an का use होगा, ठीक है? जैसे an elephant, an ass, an orange, an import. देखिए, first letter I से तो an, first letter O से, A से इधर E से, तो A E I O U पांच verbs होते हैं English में. A I U U इनसे पहले A N का यूज होगा. A N का भी A N is used before those, before those words in which, in which H is silent, as an hour, an honest man, an honorable, an honorable man, able man, अब देखिए, एच साइलेंट होता है, उनसे पहले एन का यूज होता है, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, इसका सी, व्हेन ए, when a consonant is pronounced like a vowel, then comes an before that word. As one, he is an MLA, number two, she is an MA. When a consonant is pronounced like a vowel, then comes an before that word. जब किसी व्यंजन का उच्चारण स्वर जैसा हो तो उस शब्द से पहले an का यूज करेंगे. दैट्स क्लियर.